पवई विधायक बोले क्षेत्र में अराजकता का माहौल नहीं होने देंगे। 10 अगस्त को पुलिस चौकी हरदुआ में उत्पाद एवं मारपीट करने वाले 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर जारी है। पुलिस चौकी में मारपीट करने वालों ने पवई विधायक के पुत्र पर सीधे तौर पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिस पर पवई विधायक ने मीडिया को बताया कि पवई क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके पुत्र पर लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा राजनीति से प्रेरित हैं। विधायक ने कहा कि उनका पुत्र लीवर की बीमारी से ग्रसित है तथा इलाज बाहर चल रहा है। घटना की वास्तविकता को छुपाने के लिए आरोपियों द्वारा बेवजह उसके परिवार को घसीटा जा रहा है। जो लोग हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं तो सामंजस्य बनाता हूं। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अराजकता का माहौल नहीं फैलने देंगे। हमारे लड़का का लीवर खराब हो गया था, जिसकी दवा भोपाल के सिद्धांता हॉस्पिटल में चल रही है। वैसे ही हमारा लड़के का बेड रेस्ट है, कमजोर है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मैं सभी वर्गों और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। सभी वर्गों ने सभी धर्मों ने हमें वोट देके जिताया है। ये नहीं होगा कि मैं जाति बात फैलाऊंगा, ये कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये एक एक्सीडेंट के बाद रात को 12-1 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ था। इसमें उनके परिजनों को गुस्सा हुए, गोविंद शिक्षक लोधी नाम को वहां से निकल रहे थे, उनको पकड़ के चौकी को वहां मारा। उनके भाई कमलेश लोधी को पकड़ के वहां मारा और पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की। पुलिस चौकी के मुंशी को भी उन लोगों ने गाली गलौज की, मारपीट की। उन लोगों ने पूरे क्षेत्र के जिला के लोगों ने जुड़ करके एक अराजकता का माहौल फैलाया है। उनने चौकी में तोड़फोड़ की है। जब शासकीय समता की तोड़फोड़ होगी तो जरूर उन पर कार्रवाई होगी। और उन लोग इसमें अभी तक 20-25 लोग जा चुके हैं जेल। इन पर 28 लोगों के ऊपर मुकदमा बना हुआ है। इसमें उन्हीं लोगों ने, पूरे जिले के लोगों ने संगठित होकर के जात पात का माहौल वही लोग फैला रहे हैं जो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं हरिजन लोग हम पर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।